हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज कल हम बात करने वाले हैं बीएसएफ रैली भर्ती 2023 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ओपन रैली नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्या एज लिमिट होगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और कैसे आवेदन करना है, कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हो, कौन से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगानी है और क्या नोटिफिकेशन के अंदर आई है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा डिटेल के साथ, नोटिफिकेशन के साथ। तो वीडियो को देखकर लाइक करना और आगे जरूर शेयर करना। सो गाइस, बीएसएफ ओपन रैली रिक्वायरमेंट नई नोटिफिकेशन आई है। सबसे पहले इसके डिटेल्स की बात कर लेते हैं, कौन सी डिटेल्स आपको बेहद जानना जरूरी है। तो सबसे पहला डिटेल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है पोस्ट नेम, कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बीएसएफ कांस्टेबल ड्यूटी की पोस्ट देखने को मिलेगी। एंट्री नेम जो होने वाले वो बीएसएफ रैली होगी, जो कि यहाँ पर 05/2023 बैच होने वाली है। ट्रेड जो होगी वो बीएसएफ ड्यूटी कांस्टेबल की ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। और एनसीसी अगर किए हैं या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो अटैच कर देना, आपको 2-3% की छूट मिल जाएगी। वहीं इसकी डिटेल्स की और भी बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम होगी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ होगी। जॉब के डिफेंस की जॉब आपको देखने को मिलेगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। पूरे स्टेट के जो भी यहाँ पर पूरे इंडिया के जो भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट इसके अंदर यहाँ पर जो है वो भाग ले सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो ओपन रैली है और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। और जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों है, यानी कि महिला पुरुष दोनों इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है और जिसके अंदर यहाँ पर पूरा इंडिया के जो भी बच्चे हैं वो सारे जो यहाँ पर जो कहीं पर भी आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो नॉट मेंशन है, क्योंकि यहाँ पर रैली है, ओपन रैली, और इसके अंदर पोस्ट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। जो भी यहाँ पर हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हो और जितना भी क्वालिफाई करिएगा उस सारे बच्चे का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन फ़ी जो है वो फॉर्म फ़ी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, एसटीएससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सारे बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अप्लीकेशन चार्ज रखी गई है। इसके अंदर और भी डिटेल्स की बात किया जाए तो एज लिमिट, कितना आपका एज लिमिट चाहिए, तो आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 ईयर, यानी कि अगर आप 18 से 25 के बीच बिलोंग्स करो या फिर इस एज लिमिट के अंदर का आते हो तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। वहीं आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर एसटीएससी को लेकर यहाँ पर जो है अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिल रही है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट देखने को मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी राज्य से हो, आप आवेदन कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको जो चाहिए वो 45% मार्क्स होना ही चाहिए। बात किया जाए तो यहाँ पर जो फिजिकल फिट टेस्ट के डिटेल्स की बात कर लेते हैं, कौन से डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। तो हाइट आपका जो होना चाहिए 166 सेंटीमीटर, और वहीं आपका फीमेल के जो हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर जो है नॉर्थ जोन से कोई बच्चे बिलोंग्स करे उनके लिए 160, चाहे मेल हो या फिर यहाँ पर फीमेल हो। जो कि यहाँ पर बात किया है तो चेस्ट के बारे में 70+5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड भी होना चाहिए, जो कि ओनली फॉर मेल के लिए। और वैकेंसी डिटेल अगर फिर से मैं आपको बता दूँ, जीडी कांस्टेबल होगी, ओपन रैली है, और रैली जो यहाँ पर करवाई जाएगी वो स्टेट वाइज रैली होगी, यानी कि अपना अपना स्टेट में आपको रनिंग करना पड़ेगा। अब रनिंग की बात हो गई तो यहाँ पर रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, तो 5 किलोमीटर रनिंग, वो भी 24 मिनट के अंदर। फीमेल के लिए रनिंग जो यहाँ पर है वो 1.6 किलोमीटर, वो भी 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर। और लॉन्ग जंप आपको 11 फीट, जिसके अंदर आपको 3 चांस मिलेगा, और 9 फीट आपको जो है जिसके अंदर 3 चांस मिलेगा फीमेल के लिए। हाई जंप देख लेना आप। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगानी है। तो फोटो इन सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th पास का, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहीं कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड में किसी एक आईडी प्रूफ आपको लगानी ही पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाले हैं, ये फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट, यानी कि 4 तरीके से आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई करके यहाँ पर दिया गया है, आवेदन कैसे करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप देख कर आवेदन कर सकते हो। कहाँ से करना है, तो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन यहीं से होगी, डाउनलोड भी नोटिफिकेशन यहीं से होगी। कब से स्टार्टिंग है, तो बात किया तो 11 मई 2023 से फॉर्म स्टार्ट, यहाँ पर जो है लास्ट डेट है, और 1 मई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन के ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई यहीं से कर सकते हो, और नोटिफिकेशन का डाउनलोड भी यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर विजिट कर लेना। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर 2 मई से, ठीक है, तो देख लेना आप कौन से यहाँ पर जो है डेट में देख रहे हो, और वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर लाइक जरूर करना, और यहाँ जो आ जाना आप सरकारीgovernmentvacancy.com पे, और यहीं से आपका आवेदन होगा और डाउनलोड नोटिफिकेशन होगी, तो जाकर विजिट कर लेना। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।